नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज, आपके साथ मैं हूं गरिमा भारती। आज शनिवार है, यानी कि लालू प्रसाद यादव से मुलाकात का दिन है। बीमल सिंह यादव, अभय कुमार सिंह और राजद के हुसैनाबाद नेता लव कुमार मेहता ने उनसे मुलाकात की। लव कुमार मेहता ने लालू यादव से मुलाकात के बाद कहा कि वे उनसे आशीर्वाद लेने आए थे, लेकिन उन्होंने एक और बात कही है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, पहले ये सुनिए। टिकट के संदर्भ में कोई बात नहीं हुआ है, हम लोग लालू जी को हालचाल लेने गए थे और हम लोग हुसैनाबाद में प्रतिवर्ष जगदेव जी का पुण्यतिथि और मनाते हैं, जो को 15 सितंबर को कर्पूरी मैदान है हुसैनाबाद में, उसी संदर्भ में हम लोग शहादत दिवस मना रहे हैं। उसी कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हम लोग आशीर्वाद लेने गए थे। एक्चुअली जगदेव जी का विचारधारा और लालू जी का विचारधारा दोनों का एक ही था, तो मुझे लगा कि हम हुसैनाबाद में इनसे आशीर्वाद प्राप्त कर कार्यक्रम को सफल बना। अच्छा, वहाँ राजद की क्या पोजीशन है, हुसैनाबाद क्या स्थिति है? राजद की स्थिति अभी तो वहाँ वर्तमान में बहुजन समाज पार्टी के वर्तमान विधायक हैं, जो उनकी हरकत से बाज आकर क्षेत्र की जनता भी परेशान है और वहाँ के पार्टी भी परेशान है, जो कि आप लोग की जानकारी होगा कि उनको पार्टी भी अपने बहुजन समाज पार्टी से भी उनको निकाल दिया गया है। तो बेहतर प्रदर्शन होगा, अब समय आ ही रहा है। आपको टिकट मिलेगा तो आप लड़ेंगे? अरे, मुझे अगर आशीर्वाद प्राप्त हुआ तो कौन आदमी नहीं चाहेगा कि चुनाव न लड़े। क्या उम्मीद जता रहे? अभी इस पर कोई चर्चा नहीं हुआ, हम लोग केवल कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु हम मिले थे। जो आशीर्वाद प्राप्त है वही अभी हम लोग कार्यक्रम को एक्चुअली इस संदर्भ में कोई बात ही नहीं हुआ, जो कि कहना। सिपूजन मेहता का भी बात की क्या? मुझे जानकारी नहीं है, सिपूजन मेहता का चर्चा तो नहीं चला है। सिपूजन मेहता के बारे में पूरे झारखंड जानता है कि वो झारखंड में इकलौता विधायक हैं, जो हुसैनाबाद के लिए कभी भविष्य में वैसा कोई विधायक थे ना आज है, इनका इतना गंदा हरकत है। तो सुना आपने, इशारों में लव कुमार मेहता ने ये जाहिर कर दिया कि अगर राजद उन्हें चुनाव का टिकट देती है तो वो हुसैनाबाद से चुनाव लड़ना चाहेंगे। बिहार और झारखंड की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव सिटीज, और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।